फेंसिंग के पास बॉर्डर के पास पकड़ी है, कैसे पकड़ी है? मानव मजबूरी हुई थी, मजबूरी उन्होंने हमें बताई, जिसमें मेरे को और इंचार्ज चाहिए सुलटन सिंह को ये काम सौंपा गया कि जाके वो रिकवरी करते हैं। तो हम वहाँ गए, बी एस एफ अधिकारियों से मीटिंग की, कॉन्टैक्ट किया, उनकी परमिशन लेके मोटर के पास जाके उनको साथ लेके ये रिकवरी कर ली है। ये जो रिकवरी हुई है ये जंगीर सिंह सन ऑफ मांगा सिंह हवी वाला के खेत में से। कितनी रिकवरी हुई है? ये रिकवरी अप्रॉक्सीमेटली 1 kg हेरोइन। सर बॉर्डर के पास फेंसिंग के आगे जाके ये रिकवरी हुई है, तो मोगा पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची? मुखबर है वो हमारे पास आ गया, हमारे एसएसपी साहब के पास आ गया, इंस्पेक्टर त्रिलोचन सिंह के पास आ गया, उसने मुखबरी देख कर दी, जो मैना के पास था वहीं इसका केस दर्ज करने के बाद हम प्रोसीड। इस मदद तो कोई सर ऊपर कहाँ गया सर, इंडिया का या पाकिस्तान? मुखबर इंडिया का यहाँ, एक्चुअली पाकिस्तान का नहीं। बॉर्डर के नज़दीक है सर वो, उसके बारे में नहीं बताया। सर कोई बंदा राउंड अप किया गया जी इस पर लगे जिदा खेत सीगा जितों फड़ी गई है? नहीं, इस संबंधी अजे ताईं कोई बंदा राउंड अप नहीं किया गया, पर खेत वाले नू जिहड़ा हैगा इहदे च जरूर पुछगिछ की जाए। सर अंतर रसीद की कीमत बारे नहीं पता सानू जी, किन्नी कीमत है किन्नी नहीं है। सर पाकिस्तान से कैसे आई सर हीरोइन, कैसे फेंका, कैसे गया इसको यहाँ पे? जे फेंसिंग है अगले पास से जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर कोई तार नहीं है, वहाँ किसी ने फेंक दी हो, क्योंकि तार इंडिया वाले पास से 200-300 मीटर अंदरले पास से। सर वहाँ पे नहीं और कुछ नहीं, सर उत्थे 24 घंटे बीएसएफ मुस्तैद रहती, उस तो बाद भी पैकेट सुट्टे जाते हैं खेतों च? बेशक ये गल हैगी बीएसएफ मुस्तैद रहती हैगी, पर वो पेट्रोलिंग करती हैगी और तारा के अंदरले पासे भारत वाले पासे रहती हैगी, परले पासे फ्रीली वो पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से जाके और गश्त। सर जिस खेत जो डेली है हाँ जी, कल उन्होंने बुलाया गया सी, पर वो ऑफिसर नहीं सी मिले, उन्होंने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वेट किया जाऊंगा इन्वेस्टिगेशन। किन्ने जने की टीम सी सर जी इतों गई मौके को? मेरे नाल इंचार्ज सी ये ते 5 जवान सके, इस तरह बीएसएफ के जड़े सके वो 5 जवान सी।